अगर 5% मिनोक्सिडिल यूज़ करें हेयर लॉस के लिए और पीआरपी यूज़ करें और इन दोनों को यूज़ करें तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? तो मेडिकल जर्नल आर्म्ड फोर्सेस 2021 के जुलाई वाले एडिशन में एक रिसर्च के बारे में पब्लिकेशंस हैं जिसमें कि 200 पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की गई। एक ग्रुप को पीआरपी ग्रुप बनाया गया और एक ग्रुप को मिनोक्सिडिल 5% ग्रुप बनाया गया और कुछ लोगों को कॉम्बिनेशन थेरेपी दी गई। और जो डेटा थे उनको 2 साल तक असेस किया गया और ये पाया गया कि जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है यानी कि मिनोक्सिडिल के साथ पीआरपी अगर आप लेंगे तो वो किसी भी एक चीज़ को लेने से ज़्यादा बेटर होती है। तो उन्होंने रिकमेंड किया इस स्टडी में कि हर पेशेंट को पीआरपी प्लस मिनोक्सिडिल ये दोनों ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए हर पेशेंट को। और एंडोजेनिक एलोपेशिया करीब 70% लोगों को हो जाता है 20 साल की एज आते आते, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपको ज़रा भी ऐसा लग रहा हो हेयर फॉल होना शुरू हुआ हो तो तुरंत ट्रीटमेंट लेना शुरू करिए। हम लोग इसको कम से कम स्टेबल बना के रख सकते हैं आने वाले कुछ सालों तक। ऐसा ना हो कि आप ट्रीटमेंट लेने में देर कर दें और हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाए कि वापस रिकवरी होने में मुश्किल हो। वापस रिकवरी बहुत स्लो होती है और झड़ने की प्रॉब्लम तो जल्दी शुरू हो जाती है। तो अगर हेयर फॉल हो रही है तो बहुत दिनों तक उसको पोस्टपोन मत करिए, ट्रीटमेंट डिले मत करिए, तो इन दवाइयाँ शुरू करिए। और अगर आप दवाइयाँ शुरू कर रहे हो तो मिनोक्सिडिल के हायर परसेंटेज में जाइए। जैसे हम लोग डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में हम लोग 10% से स्टार्ट करते हैं मेल्स में, और फीमेल में भी एक हायर परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, 2 की जगह 5 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा एम ये होता है कि जो भी आपका लॉस हो रहा है वो जल्दी से जल्दी रुके। दूसरा ये कि हम ज़्यादातर लोगों को ओटी और पीआरपी जैसे दूसरे ट्रीटमेंट्स भी एडवाइस करते हैं, इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन थेरेपी बार बार अलग रिसर्चेस में प्रूव हो रहा है कि जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो सिंगल मोनोथेरेपी से ज़्यादा बेटर होती है। यानी कोई एक चीज़ आप लेंगे उसके बजाय आप 2 लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर 3 तरीके से बालों पर काम करने वाली कोई चीज़ आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर 2 तरह की टेबलेट्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं तो बेटर होगा। प्लस 2 तरह के हेयर सीरम है तो और भी बेटर होगा। प्लस आप पीआरपी भी लेते हैं तो और भी बेटर होगा। हर रिसर्च में बार बार ये प्रूव हो रहा है कि 2-3 चीज़ों को मिलाने पे रिजल्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जाहिर है कि दोनों तीनों चीज़ें बालों के जो ग्रोथ है उसके अलग अलग सबसेट पे अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करेंगी, तो ओवरऑल जो है वो रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हेयर फॉल हो रहा हो तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में जाइए, अगर मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो हायर परसेंटेज में जाइए। एटलीस्ट शुरू के कुछ महीनों में अगर आप एक सीरम यूज़ कर रहे हो तो 2 यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर होता है।